किसी भी घर को बनाने से पहले उसका एक प्लान रेडी किया जाता है कि कितने रूम्स होंगे, कहां पर होंगे, क्या साइज होगा, बाथरूम का साइज क्या रहेगा, किचन का साइज क्या रहेगा, किस जगह पर बनाया जाएगा, ये सारी चीजों का एक प्लान रेडी किया जाता है जो कि 2D और 3D में होता है। तो ये प्लान आप ऑनलाइन 2D और 3D में कैसे बना सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन 2D 3D हाउस प्लान बनाने के लिए काफी सारे वेबसाइट्स हैं जहां आप बिल्कुल फ्री में प्रोफेशनल 2D 3D हाउस प्लान बना सकते हैं। पर्सनली ये वेबसाइट मुझे काफी पसंद आई। बेसिक फीचर्स इसमें फ्री में मिलते हैं और कुछ पैसे देकर आप एडवांस फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने काफी सारे हाउस प्लान्स रेडी किए हैं, तो पहले मैं आपको अपना बनाया हुआ एक हाउस प्लान दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे आप किस तरह के हाउस प्लान्स रेडी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये वाला ओपन करके दिखा देता हूं। ये एक 900 स्क्वायर यार्ड का 1 BHK हाउस प्लान है जिसमें आप सभी डिटेल्स देख सकते हैं। इसमें बेडरूम, वॉशरूम, किचन, डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया सभी आप यहां पर देख सकते हैं। इसको आप 2D और 3D में देख सकते हैं। 2D में आप अभी इसको देख रहे हैं, 3D में देखने के लिए आप 3D पर क्लिक करेंगे तो इस प्लान को इस तरह से आप 3D में भी देख सकते हैं। अगर आप अंदर से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप अंदर जाकर के भी इसको विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग कैमरा एंगल्स मिलते हैं, यहाँ से आप कैमरा एंगल चेंज कर सकते हैं कि किस कैमरा से आपको ये देखना है। जैसे कि मैंने ये लिविंग एरिया बनाया हुआ है तो इसमें मैंने सोफे लगाए हुए हैं और जो जो सामान यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, किचन और डाइनिंग एरिया को भी आप 3D में देख सकते हैं। कैमरा एंगल चेंज करने के लिए आप यहाँ से कैमरा सिलेक्ट करेंगे तो आप दूसरे एंगल से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ तक सारा काम आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। HD क्वालिटी में आप फ्री में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन HD क्वालिटी के लिए आपको पैसे देने होते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आप सेव कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बिल्कुल HD है और बिल्कुल फ्री में मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट यहां पर कैप्चर कर लिया है। और अगर आपको 3D में सेव करना है तो इसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे और यहां से आप इसको 3D में भी सेव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आपको रेडी कैसे करना है। अपने ब्राउजर में आप टाइप करेंगे floorplanners.com तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आप साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे और अपनी एक Gmail ID डालकर साइन अप कर लेंगे। एक नया हाउस प्लान रेडी करने के लिए आप क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपने प्रोजेक्ट का नेम डाल देंगे। इसके बाद स्टार्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अगर आपने पहले से कोई प्लान बनाया हुआ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, वरना आप एम्प्टी प्लान पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको एक एरिया मिल जाएगा, इसमें आप अपना हाउस प्लान रेडी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहां से वॉल डाल सकते हैं, सरफेस डाल सकते हैं, डोर विंडो प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ ही सोफा आइकन पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ढेर सारी कैटेगरीज मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप किचन चूज करेंगे तो आपको किचन से रिलेटेड सामान यहां पर मिल जाएंगे, उनको आप अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। इसमें आप कलर भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स आप इसमें फिल करके देख सकते हैं कि किस कलर में आपका हाउस कैसा लगेगा। और साथ ही यहां पर फ्लोर टाइल्स भी आपको मिलती है, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ से आप चूज करेंगे मीटर और फीट। मैं यहाँ पर फीट चूज कर लेता हूँ। इसमें आपको फीता भी मिल जाता है, इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और आप इस तरह से कहीं भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए या तो आप ड्रॉ वॉल पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, इसमें आप वॉल की थिकनेस और हाइट यहाँ पर चूज कर लेंगे। इस तरह से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से आप यहाँ पर वॉल को ड्रॉ करेंगे। साइज आप ऊपर देख सकते हैं कितने फीट की आपको वॉल चाहिए, यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। जैसे कि मुझे 30 फीट चाहिए तो यहाँ पर मैं 30 फीट तक ही इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद सेकंड वॉल इसी तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
इस तरह से आप चारों दीवारें यहां पर डाल देंगे तो आपका एक प्लान रेडी हो जाएगा। इसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं अपने माउस से। किसी भी दीवार का साइज आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी दीवार किस साइज की है। अब जैसे कि इसमें आपको एक रूम डालना है तो आप ड्रॉ रूम पर क्लिक करेंगे। इसमें भी यहाँ पर आप वॉल की थिकनेस और हाइट को चूज कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप रूम को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। किसी भी वॉल का साइज देखने के लिए आप उस पर कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर साइज शो हो जाएगा और इस तरह से आप साइज यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको साइज कम या ज्यादा करना है तो इस तरह से आप कर्सर लाएंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और इस तरह से आप इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस वॉल का साइज बढ़ाने के लिए आप इस वॉल को इस तरह से यहाँ पर खिसकाएंगे। नीचे आप साइज देख सकते हैं। इस तरह से ये एक रूम बन चुका है। इसमें आपको डोर प्लेस करना है तो प्लेस डोर्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अलग अलग टाइप्स के डोर्स मिल जाएंगे। किसी भी डोर को आप उठाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका साइज भी आप छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। विंडो प्लेस करने के लिए प्लेस विंडोज पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप्स की विंडोज यहाँ पर मिल जाएगी। किसी भी विंडो को आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका साइज भी आप यहां से छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से इसको आप मूव भी कर सकते हैं। अब जैसे कि एक रूम है, इसमें हमें फर्नीचर ऐड करना है तो सोफा आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएगी। आप बेडरूम फर्नीचर सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप बेड्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के बेड्स मिल जाएंगे। किसी को भी आप यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और भी जो फर्नीचर आपको ऐड करना है वो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बाकी चीजें ऐड करने के लिए आप यहाँ टूल आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें हमें एक वॉशरूम ऐड करना है तो ड्रॉ रूम पर मैं क्लिक करूंगा और इस तरह से यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रॉ करूंगा। साइज देखने के लिए आप किसी भी वॉल पर कर्सर लाएंगे तो आपके सामने साइज आ जाएगा। साइज छोटा या बड़ा करने का तरीका यही है कि आप अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस तरह से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसमें मुझे एक डोर प्लेस करना है तो प्लेस डोर पर क्लिक करेंगे। अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर डोर्स दिए गए हैं। जो भी डोर आपको रखना है उसको आप यहाँ पर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब ये वॉशरूम है तो इसकी एसेसरीज यहाँ पर हम ऐड करेंगे। सोफा आइकन पर क्लिक करेंगे, बाथरूम पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बाथरूम से रिलेटेड एसेसरीज मिल जाएगी। जस्ट आप इस तरह से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसी तरह से अगर आपको स्टेयर्स ऐड करनी है तो आप सोफा आइकन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। आपके सामने अलग अलग टाइप्स की स्टेयर्स आ जाएंगी। जो भी आपको ऐड करनी है जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसको आप घुमा सकते हैं। इसमें मुझे एक डाइनिंग टेबल डालनी है तो इसी तरह से यहाँ पर हम डाइनिंग लिखेंगे। हमारे सामने अलग अलग टाइप्स की डाइनिंग टेबल्स आ जाएगी। जैसे भी आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। सोफा ऐड करना है, जस्ट आप यहाँ पर टाइप करेंगे सोफा तो आपके सामने अलग अलग टाइप्स के सोफे आ जाएंगे। किसी भी सोफा को आप इस तरह से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। प्लेस स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। कोई भी आप जिस जगह पर प्लेस करना चाहते हैं उसको वहां पर प्लेस कर सकते हैं। किचन फर्नीचर ऐड करना है तो जस्ट किचन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने किचन के फर्नीचर्स आ जाएंगे। कोई भी आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आपका प्लान रेडी हो जाता है तो आप उसको 2D और 3D में देख सकते हैं। 2D में ये अभी शो हो रहा है। 3D में देखने के लिए आप 3D पर क्लिक करेंगे। इस तरह से इसको आप 3D में देख सकते हैं और इसके अंदर से देखने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे। जो जो फर्नीचर हमने इसमें ऐड किया है वो तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखाई देगा। कैमरा एंगल आप यहां से चेंज कर सकते हैं। किसी भी कैमरा एंगल से आप इसको देख सकते हैं। सेव करने के लिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं HD क्वालिटी में या फिर आप एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। कम क्वालिटी में इसको आप फ्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। HD क्वालिटी के लिए आपको कुछ पे करना होगा। जितने भी हाउस प्लान इसमें आप रेडी करते हैं वो सब यहां ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं और दुनिया में कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके। जैसे कि इसमें मैंने काफी सारे हाउस प्लान रेडी किए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसमें किसी भी तरह का हाउस प्लान, फ्लोर प्लान रेडी कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।